कैसे लोग साफ करते हैं भाई आ लग गई तो मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि मुझसे टीवी क्लीन नहीं हुआ आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है so, हम कि सभी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लाइक यूट्यूब इंस्टाग्राम स्नैपचैट जहां पे बीच बीच में हमें बहुत सारी चीजों के एड्स आते रहते हैं या आप टीवी भी देखते हो उस पर भी एड्स आते रहते हैं तो आज की वीडियो में मैं चीजें खरीदने वाली हूँ इन एड्स के बेसिस पे लाइक like, मुझे जो भी एड दिखाई देगा मैं वो प्रोडक्ट खरीद लूंगी बस मैं नहीं चाहती कि मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड का एड आता रहे बार बार क्योंकि मेरे एक ब्रांड के साथ तो बड़ी हिस्ट्री चलती आ रही है जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ देखते हैं कि मुझे आज क्या मिलने वाला है और मैं क्या चीज़ें खरीदने वाली हूँ यानी ऐसी

तो सबसे पहले मुझे ऐड आया डॉट इन की का देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इसके हाथ में तो सबसे पहले ऐड जो आया उसको तो यार कंसीडर कर ही लेते हैं मुझे इन की से बाय द वे कुछ मंगाना भी था तो आई एम हैप्पी कि मुझे ऐड आया तुम समझ गए हो राइट ऑर्डर प्लेस हो गया वेट करते हैं मुझे कब मिलेगा ओके नेक्स्ट ऐड है तो इतने टाइम से मैं स्क्रॉल कर रही थी तब मुझे ऐड नहीं दिखाई दिया और ये पार्ट मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि उस दिन समाव माइक ने काम करना बंद कर दिया वायरलेस माइक का यही है कि आपको पता ही नहीं चलता है, नहीं बैटरी कब खत्म हो जाती है अब जब सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है तो अब यही चलेगा ठीक है तो नेक्स्ट जो मुझे ऐड आया है वो आया है डमाको का और आप सभी को पता है कि मैं डो के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करती हूँ स्किन केयर में और एक प्रोडक्ट है जो मेरा खत्म हो गया है डमाको का तो उसको ऑर्डर करता है नेक्स्ट एड मुझे आया है शायवे का तो शायवे एक लॉन्जरी का क्लोदिंग ब्रांड है क्लोदिंग ब्रांड या लॉन्जरी ब्रांड है बेसिकली लॉन्जरी वेबसाइट लॉन्जरी वेबसाइट है जहां से मैं कुछ अब आया है तो खरीदना पड़ेगा ना बहुत टाइम के बाद मुझे ऐड आया था ये वाला आई नो इसका कुछ पर्पज नहीं है पता नहीं मुझे ये मुझे ये ये एड्स क्यों आ आ रहे रहे थे थे मोस्टली ऐड और फिर मुझे ऐड आया था ये येड वाने का आमंड ऑयल से रिलेटेड मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक आमंड ऑयल खरीदूंगी इंस्टाग्राम के थ्रू थैंक्स टू तो इंस्टाग्राम मैं खरीदने वाली हूँ आमंड ऑयल अगर किसी को चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर देना आमंड ऑयल दे दूंगी कि मैंने बोला ही था कि मुझे स्किन केयर के सबसे ज्यादा ऐड आएंगे तो नेक्स्ट मुझे आया फिलग्रिम का तो फिलग्रिम के काफी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ लेकिन इतना कॉन्स्टेंटली यूज नहीं करती हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इससे क्या मंगाऊँ so जो फाइनल ऐड आया है वो है क्लोविया का तो क्लोविया आप लोग देख रहे हो तो स्पॉन्सर कर सकते हो बाय वायदा मैंने क्लोविया के साथ पहले भी काम किया और उनके प्रोडक्ट्स मुझे काफी ज्यादा सही लगे थे तो पर इस बार मैं कुछ अलग मंगाना चाहती हूँ क्लोविया से तो देखते हैं मैं क्या मंगा सकती हूँ थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं तो उस पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो चुके हैं चलो हाय इट्स मी आमद ड्रामा तो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं क्या कर सकते हैं एनीवे सो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं मेरा माइक बंद हो गया मुझे दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ेगी मतलब चलते-चलते बंद हो गया मुझे पता भी नहीं चला तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं बता रही थी ये डॉट इनकी का सो so, ये है वाइटमिन सी प्लस ई सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी इसकी सनस्क्रीन यूज करी थी वो वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट तो इसलिए मैं, मैंने सोचा जब डॉटिन की आया है बेस्ट प्रोडक्ट मंगा लेते हैं जो कि मुझे पसंद भी है तो मैंने ये सनस्क्रीन ऑर्डर किया है सो so, ये जो सनस्क्रीन है ये वाटर बेस्ड है और बहुत लाइट वेट है तो अगर आपको थिक सनस्क्रीन नहीं चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो मुझे पसंद आया इसका प्राइस है फोर नाइन्टी फाइव आपको फिफ्टी ग्राम मिल जाएगी और मैंने इस पे ना पी लेवल टेस्ट भी किया था और उसका रिजल्ट भी इसका सही आया था तो ये सनस्क्रीन सही है अगर कोई सनस्क्रीन के लिए कन्फ्यूज है और किसी को अगर वाटर बेस्ड

खरीदना तो बनता है तो हमारे पास ऐडाया था शाया वे तो ये रही उनकी लॉन्जरी जिसको मैंने खरीद लिया मैं खोल चुकी हूँ क्योंकि मैं कुछ भी बिना खोले नहीं रह सकती है तो मैंने ऑर्डर किया ये ब्रा जिसको मैं पहनती बहुत कम हूँ लेकिन मैंने ऑर्डर कर दी टाइम तो आप बेर चीजों पर अट्रैक्टेड हो जाते हो जो कि यूजलेस होती हैं नहीं ब्रा यूजलेस नहीं है पर मैं इस कलर को किसके नीचे पहनूंगी एनी वे सो साइज है इसका थर्टी टू बी थर्टी टू बी इसका ब्रा का नाम है इस ब्रा का नाम है डीप लगून 849? मैंने पक्का 849 में तो नहीं खरीदा है, है।, ये टी ब्रा है। आप टी पहनते हो तो उसमें ना ब्रा दिखती है। तो ये नहीं दिखेगी मुझे सबसे बेस्ट लगी इनकी स्टेप्स बहुत ही थिक है रात तो खरीद लिया मैं इसको कब पहनूंगी वो मुझे नहीं पता है क्योंकि बहुत ब्रा पहनती हूँ यार यूजली एटी तो मैं ब्रा ही पहनती हूँ मैंने ब्लू कलर की खरीदी है एट फोर्टी ब्रा मैंने मैं वीडियो के लिए कुछ भी कर देती हूं लाइक, like, यकीन नहीं हो रहा मुझे नेक्स्ट सफेल ग्रेम वर्ल्ड ब्यूटी फॉर यू एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं सच बताऊँ फिलग्रम से इतना कुछ यूज़ नहीं करती प्रोडक्ट और फेस वॉश वगैरह सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है है फेस वॉश मॉइस्चराइजर लाइक सब कुछ है मेरे पास बहुत सोच समझ के जो चीज़ खरीदी है वो है ये उसको मैं यूज कर चुकी हूँ तो प्लीज अगर सोच रही हूँ पैकेजिंग में नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूँ सिलर वाटर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने माइसिलर वाटर ये चूज कर लिया अब माइसिलर वाटर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैस्क्रा लगाती हूँ तो क्या होता है ना मेरी लैशेज टूटने लगी हैं तो वो मेरी आंखों में रह जाता है और कहीं कही ना कहीं केमिकल प्रोडक्ट से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है और मैं बहुत बड़ी वाली फैन हूँ मैश कैर की बहुत वीडियोस देखी थी कि माइसल वाटर से अपनी आंखें अच्छे से क्लीन करो आंखों को गंजी करने से बेहतर है कि मैं कुछ मंगा लू जो कि मेरी आंखें बचा सके एनीवे anyway, वे आप कोई भी यूज कर सकते हो गार्नियर का यूज कर सकते हो इसका प्राइस है थ्री ट्वेंटी फाइव रुपीज इसको यूज किया है प्रोडक्ट खराब नहीं है प्रोडक्ट सही है जैसा वर्क करना चाहिए वैसे ही वर्क करता है एंड या इट्स अप टू यू आपको जो पसंद है आप उस पे जा सकते हो सो नेक्स्ट वन डमक होगा वो फेस वॉश लाना भी भूल गई वो एक्चुअली क्या दे लीस्ट पैकेज है, वो है क्लोबिया से अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए वीडियो देख रहा है तो आप सब जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिखा रहे हैं आप लोग मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे मैं सब प्रोडक्ट्स दिखा चुकी हूँ बट आवाज नहीं आई आई जस्ट होप करूँ कि मेरा

पर मैंने इसको जब देखा तब चमकी चमकी नहीं दिख रही थी मुझे या तो मैं कलर ब्लाइंड हो गई थी जैसे कुछ लोगों को रेड फ्लैग्स नहीं दिखते मुझे चमकी नहीं दिखाई दी मुझे पसंद आया था इसका स्टाइल मुझे ना बहुत अलग वैसे मैं ब्रा नहीं खरीदती हूँ लेकिन अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टाइल के यूनिक से होने चाहिए तो ये बहुत यूनिक था लाइक इसके नीचे यहाँ पे है ऊपर यहाँ पे भी है मैं इसको पहन के नहीं दिखा सकती हूँ यूट्यूब डिमोनिटाइज कर देता है वीडियो भी आप सभी को पता है मैं इस टाइप की चीज़ों में क्यों इन्वेस्ट करती हूँ इन्हें ब्लाउज बना लेती हूँ जो सही से फिट हो रहा है सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ क्या होती है ना कि साइज सही आएगा लूज तो नहीं रहेगा इसमें पैड भी नहीं है परफेक्ट फिट ब्रा या कुछ सेट ढूंढना चाहते हो तो आप इस पर इन्वेस्ट कर देना सही लगा मुझे इसका साइज बता देती हूँ इसका साइज है थर्टी टू बी इसका ओरिजिनल प्राइस है तेरह सौ निन्यानवे रुपए पर मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड के अंडर में ही खरीदा है क्योंकि सेल लग रही थी उस टाइम पे की तो मैंने सही टाइम पे वीडियो चूज करी अंदर ना कॉटन है इसमें अंदर नेट लगा हुआ है और जो ट्रेंटी है उसका जो मटेरियल है उसमें भी नेट है बट इस एरिया पे आपको कॉटन मिल जाएगा आई विश मैं दिखा सकती लेकिन नहीं दिखा सकती इसको तो, तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती टोविया तो पे लॉन्चरी सेट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सही फिटिंग हुई है जिसके पास नहीं है उसको तो डेफिनेटली इस पर ट्राई करना चाहिए मेरी बॉडी वालों सुन लो मेरी बात ये रहा हमारे लिए एक और चीज़ मंगाई है डोंट वरी एक और चीज़ मंगाई है तो मैंने क्लोविया से बिकिनी ऑर्डर की है क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कर ली बस कर ली मैंने पह जाना तो कहीं होता नहीं बस कर ली मैंने ये हिप टीजर वाली ऑर्डर की है सो ये फुल कवरेज वाली होते हैं बहुत तरह की बिकिनी होती है आई डोंट नो आई थिंक इसने बिकीनी कहनी कहते हैं याद नहीं आ रहा तो स्विम सूट भी बोल सकते हो सो इसकी क्वालिटी सही है थिक मटेरियल है सी थ्रू नहीं है पहनने के बाद मुझे थोड़ी सी थ्रू लगी फिटिंग मुझे सही आई है इसको मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया है आई थिंक ये थाउजेंड रुपीज़ के अंडर थी आई रियली लव द कलर कलर बहुत ही सुंदर और प्यारा सा है एंड आई थिंक आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते एकदम तो सही फिट हुई है अगर आपको फुल कवरेज वाली चाहिए तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो बट हाँ थोड़ी सी सी थ्रू है मुझे नहीं पता क्यों है जबकि इसका मटेरियल तो अच्छा होना चाहिए था वैसे मटेरियल सही है लेकिन सी थ्रू सी है अब बात करते हैं इसकी टॉप की मैंने साड़ी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैं इसी टॉप को पहन के आई थी ये तो शुरू होता है फिर खत्म ही नहीं होता बहुत ज्यादा पसंद आया स्पेशली कलर बहुत सुंदर है इसमें पैड है आप उनको रिमूव भी कर सकते हो इट्स अप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जहाँ जितना आपको टाइट करना है जितना लूज करना है वो सही है और ये फुल कवरेज दे रहा है कवरेज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है इससे छोटा होना चाहिए था वैसे तो ये क्योंकि स्मॉल साइज है तो पर ठीक है एनीवे anyway, वे अगर किसी का मीडियम है तो इससे पता चल जाएगा कि अगर आपको बिकनी बाय करनी हो तो बिकनी टॉप ठीक है बट हाँ मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दी जो मैं बता चुकी हूँ कलर बहुत सुंदर है तो मुझे बिकनी बॉटम इतनी पसंद नहीं है बट इसकी बिकनी टॉप बहुत सुंदर है एंड ये जो है ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगा मुझे मैं पहन के नहीं दिखा सकती तो मैं इसके ऊपर पहन के दिखा देती हूँ परफेक्ट फिट और ये तो यार लाइक बांधते रह जाओ जितना तुम्हें चाहिए पैरों तक दूसरों को भी बांध लो इसमें अपने साथ